हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आ रही है। यहाँ पर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ हमारे आईटीआई कैंडिडेट हैं, यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बात करें गई इस वैकेंसी की, तो टोटल पोस्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज स्केल हायरिंग की जा रही है। वैसे यहाँ पर आप लोगों की 1400 प्लस यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। मैंने आप लोग को फिर भी यहाँ पर 1400 प्लस बताया और ज़्यादा ही वैकेंसी रहेगी। और यहाँ टोटल वैकेंसी आप लोगों की इतनी ज़्यादा आएगा, इस सभी अप्लाई करना। अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन के ज़रिए से मैं बताने वाली हूँ। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, और नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईटीआई वालों की वैकेंसी। ये यहाँ देख सकते हैं 1410 वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं, बट इंडियन सिटीजन होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकती है। वैसे यहाँ पर जो वैकेंसी है 1400 प्लस वैकेंसी है, और पोस्ट आप लोगों की अलग अलग रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर बात करें यहाँ आईटीआई की, तो पोस्ट जैसे आप लोग का प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं टोटल पोस्ट की बात कर लेती हूँ। टोटल पोस्ट यहाँ देखिए, ये हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई है अलग, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग वैकेंसी रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये पहली वैकेंसी मेल के लिए है, जो आप लोगों की यहाँ पर 1300 प्लस निकाली गई है, मतलब 1300 यहाँ पर 43 के करीब रखी गई है। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पर देखिए 67 वैकेंसी रखी गई है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। लास्ट डेट आप लोगों की यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके 30 दिन तक इसका एडवर्टाइजमेंट रहेगा। 30 दिन तक लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ एज लिमिट 18 दी गई है, मिनिमम मैक्सिमम 25 दी गई है। क्वालिफिकेशन में आप लोगों का आईटीआई रिक्वायर्ड है, और साथ ही जो हमारे कैंडिडेट आईटीआई हैं वो ऊपर आप लोगों को दिया गया था, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट आपका ट्रेड होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी बात करेंगे इस यहाँ इस वैकेंसी की, तो अगर आपके पास 1 ईयर का आईटीआई है, मतलब जो 1 ईयर सर्टिफिकेट होता है आईटीआई का, या फिर 2 ईयर का, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लिंक है आप लोगों की, इस यहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अब बात करें हम डिप्लोमा वालों की, जो डिप्लोमा का नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये हमारा डिप्लोमा वालों के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, मतलब आप लोग का BSF की तरफ से निकाला गया है नोटिफिकेशन। गाइस, यहाँ आप लोगों का जो वैकेंसी रहने वाली है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ देख पाएंगे, ऑलमोस्ट 20 के करीब टोटल वैकेंसी, 20-22 के करीब रहने वाली है। यहाँ CTC 44,000 स्टार्टिंग है, और इन सभी वैकेंसीज के लिए, ये जो आप लोगों की दोनों वैकेंसीज हैं इसके लिए 35,400 स्टार्टिंग है, ये आप लोग का स्टार्टिंग रहने वाला है। इसी तरीके से इसका भी लास्ट डेट आप लोग का पब्लिश होने के 30 दिन बाद तक यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा। और गाइस, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे फर्स्ट जो आप लोग की वैकेंसी है इसके लिए डिग्री होना चाहिए, सेकंड जो सब इंस्पेक्टर की है इसमें डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, तब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ दी गई है 30 दी गई है, बाकी आप लोग दोनों के लिए यहाँ पर एज लिमिट 30 दी गई है। आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है, देखिए ये जो आप लोगों की ये आपका लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। चलिए मैं एक बार इस लिंक को ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो गाइस, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। तो गाइस, इसमें पर्सनल डिटेल होगी, ये आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप होगा पर्सनल डिटेल, सेकेंड होगा एड्रेस, थर्ड होगा अदर डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है तो डालेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे। बाकी देखिए यहाँ पर अपना नाम, साथ ही फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जनरेट OTP करना है। OTP जाएगा, OTP आप लोग फिर इसमें डालेंगे, जैसे OTP डालेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और फॉर्म को पूरा फिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।